हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, अरोमा ऑफ गार्डनिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये देख रहे हो, मेरा लेमन का प्लांट है और इस पे कुछ लेमन लगे भी हुए हैं। अभी इसमें एक ब्रांच ये वाली जो है, मैंने इसमें एयर लेयरिंग की थी, जिसपे कि अभी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों ही हो रही है। अभी हम इसको खोल करके देखते हैं कि कैसा रिजल्ट है हमारे एयर लेयरिंग का। फ्रेंड्स, एयर लेयरिंग से या ग्राफ्ट से जो आप प्लांट्स जो तैयार कर रहे हैं, उनमें जल्दी ही फ्रूटिंग होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो जो है वो एक मैच्योर प्लांट से आप उसको डेवलप कर रहे हो। तो ये जो मेथड है, अगर आप पॉट में अपने प्लांट्स ग्रो कर रहे हो, तो आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं और अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। और आपको ये पता होता है कि आपने कौन सी वैरायटी का जो प्लांट जो आप तैयार कर रहे हो, उस पर कैसे फ्रूट्स आएंगे, कौन सी वैरायटी का वो प्लांट है। तो अभी मैं इसको फटाफट से ओपन कर लेता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, एयर लेयरिंग के लिए मैंने इसमें कोकोपीट और जो वर्मी कंपोस्ट होता है, सिर्फ वही मटेरियल लिया था और इसे एक पॉलीथीन से पैक कर दिया था। अभी हम इसमें देखते हैं कि कैसा रिजल्ट रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें रूट्स डेवलप हो गई हैं और लगभग लगभग एक कोकोपीट में हल्की सा जो मॉइस्चर है वो अभी बचा हुआ है, बाकी सब तो ड्राई हो गया है। तो इस तरीके से भी फ्रेंड्स, आप अपने जो सिट्रस प्लांट हैं उनमें आप एयर लेयरिंग से आप नए प्लांट डेवलप कर सकते हैं। ये सिर्फ एक प्लांट है और आप इसे बहुत सारे प्लांट डेवलप कर सकते हैं। इस ब्रांच को मैं ऐसे कट कर लेता हूँ और फिर इसे प्लांट कर देता हूँ। इसे जो प्लांट करूँगा मैं, वो भी कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट के मिक्सचर में ही करूँगा। अभी इसे सॉइल में लगाऊंगा, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं वो काफ़ी छोटी हैं और मुलायम हैं, तो अगर मैंने इसे सॉइल में लगा करके प्रेस कर दिया तो वो टूट जाएंगी। तो अभी इसे हल्के मीडियम में, जिसमें कि ये जो रूट्स हैं आसानी से डेवलप हो जाएँ, इसीलिए मैं अभी इसे कोकोपीट में ही लगाऊंगा। फ्रेंड्स, प्लांट से हमने ये ब्रांच कट कर ली है। इस पे फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दोनों ही हो रही है। रूट्स इसमें बहुत पतली पतली निकली हैं, लेकिन ये एयर लेयरिंग जो है वो सक्सेसफुल रही है। अभी हम इसे प्लांट कर देते हैं। ये फ्रेंड्स, मैंने कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर लिया हुआ है, इसको मैंने गीला कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये थोड़ा ड्राई हो चुका है। तो ये गीला रहेगा तो इसको तुरंत के तुरंत ही अभी मॉइस्चर मिल जाएगा प्लांट को। इसे सेंटर में प्लेस कर देते हैं और साइड से जो कोकोपीट है उसे कवर कर देंगे। इसको मैंने ऊपर से मिट्टी से कवर कर दिया, क्योंकि इस ब्रांच का वेट ज़्यादा है तो ये एक तरफ से झुक रही थी और कोकोपीट्स इसका वजन संभाल नहीं पा रहा था। फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान तरीका है, आप अपने प्लांट्स को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अभी आप इसे कुछ दिन के लिए शेडी एरिया में रख दीजिएगा और इसकी होपफुली कि मैं एक दो ब्रांच इसकी कट भी करूंगा, उसके बाद ही आसानी से डेवलप हो पाएगा, क्योंकि जो इसका रूट सिस्टम है अभी वो बहुत छोटा है, तो इतने बड़े प्लांट को वो फीड नहीं करवा पाएगा सही से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।